हो गए भाई, कर दिए 10 पुशअप्स। लाओ अब टॉवल वाले सीन का ब्रेकडाउन। भाई साहब, इतना डिमांड मैंने किसी भी वीडियो के लिए नहीं देखा था मेरी यूट्यूब जर्नी में अभी तक, और इसलिए शायद मुझे पहली बार अपने एक रेगुलर ब्रेकडाउन वीडियो का सेकंड पार्ट बनाना पड़ गया है। बट आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा फॉर द टॉवल सीन ब्रेकडाउन। स्टे ट्यून्ड। तो शुरू करते ही सिर्फ टॉवल सीन ही नहीं, मुझे काफ़ी सारे दूसरे कंसर्न्स भी दिखे मेरे जो इससे पहले वाला कल जो अपलोड हुआ था टाइगर 3 ट्रेलर ब्रेकडाउन वाले वीडियो में, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि सीन्स कॉपीड है। फॉर एग्जांपल जो ओपनिंग सीन है ट्रेलर का, दैट इज अ डिटो कॉपी ऑफ मैडमैक्स फ्यूरी ओपनिंग सीन। हाँ, दिखने से तो लगता भी है और हो भी सकता है, मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगा कि ये कॉपी नहीं है या फिर यहाँ से इंस्पिरेशन नहीं लिया गया है। कलर ग्रेड हो, सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है। बट यहाँ पे मैं एक जो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ ना, कि दिस शॉट डजंट मेक द फिल्म मेक्स दिस शॉट। कहने का मतलब है कि ये जो शॉट इन लोगों ने यहाँ पे दिया है, दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी जो अभी तक हम लोगों ने टाइगर के लाइफ में होते हुए देखा है। टाइगर मूवीज की जो पर्सनैलिटी होती है, वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स हम लोग को क्या दिखाना चाहते हैं, उन सब के स्पिरिट में ये चीज आता है, ये सीन आता है। सो आई फील इफ इट्स वर्किंग देन इट्स वर्किंग। मतलब यहाँ पे अगर ये कॉपीड है भी तो भी हम लोग को इसको एक्सेप्ट करके इसको ऐसे ही एंजॉय करना पड़ेगा। फिर आते हैं कि मैंने VFX को क्यों खराब नहीं बोला, क्योंकि VFX उतनी अच्छी नहीं है। अभी देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में एक पॉइंट मेंशन किया था कि जब आपका VFX उतना अच्छा नहीं होता है तो आपके जो रियल इन कैमरा शॉट्स होते हैं उनको भी आप ऐसा कलर ग्रेड करो, ऐसा लाइटिंग करो कि दोनों मैश हो जाए। मैंने ऐसा एक बार भी नहीं बोला कि बहुत अच्छा VFX है। आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा कल वाला, एक बार भी मैंने नहीं बोला ये चीज़, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में रेड चिलीज के ऊपर शायद VFX कोई कर नहीं सकता। एंड वायर एफ के जो VFX टीम है वो लोग सर्विसेबल VFX करते हैं, जो वर्क करता है, वो लोग डिसरेस्पेक्ट नहीं करते अपने ऑडियंस को। इनफैक्ट मैंने गणपत वाले वीडियो में भी ये बोला था कि देखिए, टाइगर श्रॉफ से प्रॉब्लम नहीं है या फिर गणपत मूवी से प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो लोग ऐसे रेगुलर को हीरोपंती 4-5 बना देते उसी कहानी के साथ तब चलता, बट उन लोगों ने ये जो डिस्टोपिया घुसाया था उसमें, उस चीज़ को रेस्पेक्ट करना चाहिए था और उस चीज़ को रेस्पेक्ट करके वो लोग ऑडियंस को रेस्पेक्ट करते, बट वो नहीं हुआ उस मूवी में। मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम था। जैसे कि यहाँ पे इस मूवी में एकदम ऑन योर फेस, लाइक फेस वैल्यू में आप VFX को खराब नहीं बोल सकते। जितना होना चाहिए, जितना रेस्पेक्ट ऑडियंस को देना चाहिए, उन लोगों ने दिया, क्योंकि इस मूवी का सेलिंग पॉइंट VFX है ही नहीं। एंड बाय द वे, मैं फिर से जब इस ट्रेलर को देख रहा था फ्रेम बाय फ्रेम, तो ये जो ब्लास्ट वाला शॉट है इसको मैंने फिर से ध्यान से देखा, और ये देखिए यहाँ पे डेब्रिस को देखिए, ये इतना अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है सरफेस से, तो मुझे नहीं लगता कि ये सिमुलेशन है या फिर ये CGI ब्लास्ट है। मुझे लगता है कि ये ब्लास्ट प्रैक्टिकली क्या उन लोगों ने एंड देन इस कैरेक्टर को यहाँ पे कंपोज किया। बट अगर ये CGI है देन एकदम बहुत बढ़िया काम। फिर किसी भाई साहब ने निटपिक किया था कि यहाँ पे तो वो जो रॉड है वो रॉड जाके बंदे को लगता ही नहीं है और बंदा गिर जाता है। हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा इशू है, बट आप एक बार लॉजिस्टिक्स को सोच के देखिए, क्योंकि ऐसे जो सीन्स होते हैं ना, ये एक स्टैटिक स्टेज में ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन में शूट होता है, और फिर जो मूव होता है ना, ऐसा लगता है कि बाइक्स जा रहे हैं, वो बेसिकली कैमरे को उनके थ्रू लेके जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो इल्यूजन ऑफ मोशन होता है ना वो क्रिएट होता है उस चीज़ से, और आप एक्टर को बिठाओ, वहाँ पे बिठाओ, फिर कोऑर्डिनेट करो, तो ये रॉड एक्चुअली तो आप किसी को नहीं फेंक सकते ना। और आई डाउट कि ये जो रियल रॉड है वो भी स्टील का या मेटल का नहीं होगा, ये लोग रबर का यूज़ करते हैं, रबर या प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, उसको ऐसा पेंट करते हैं कि ये दिखने में ऐसे लोहे जैसा लगता है। बट यहाँ पे भी आप देखिए, ये रॉड आके इस फ्रेम में इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ CGI ऑब्जेक्ट, और वो CGI ऑब्जेक्ट आके उस बंदे को लगने का जो इल्यूजन है वो क्रिएट किया गया। फिर बंदे को उस टाइमिंग पे फिर रोप एक्शन से खींच के एग्जीक्यूट करना, फिर से जो ऐसे अप्रिशिएटर्स नहीं या फिर लवर्स नहीं है वो लोग बोलेंगे कि रियल में करना चाहिए था दिस एंड दैट। ऑब्वियसली मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में अपने फेस रिप्लेसमेंट वाले वीडियो में बात की है, कि देखिए हर एक मूवी का ना, जैसे कि मैंने बोला अभी, हर एक मूवी का एक USP होता है। अगर आप एक्सट्रैक्शन देखोगे, अगर आप एक्सट्रैक्शन मूवी बनाने जा रहे हो, तो आपको एक्शन जितना हो सके रियल, जितना हो सके यूनिक आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो USP है उस मूवी का। अगर आप अवतार बनाने जा रहे हो तो आपको VFX टॉप नॉच रखना ही पड़ेगा। बट
इंडियन मूवीज में जो सबसे बड़ा यूएसपी होता है दैट वो होता है इमोशन, वो होता है कहानी। उसको सप्लीमेंट करने के लिए हम लोग को जितना सर्विसेबल चीज़ें लानी पड़ती है, एक्टिंग हो, कास्टिंग हो, वीएफएक्स हो, म्यूजिक हो, वो सब कुछ उस चीज़ को सप्लीमेंट करता है। एंड दैट इज़ हाउ द बिजनेस ऑफ बॉलीवुड वर्क्स इज वॉट आई फील। आई एम नो वन टू कॉमेंट, बट एज एन ऑडियंस जो मुझे फील होता है, क्योंकि कहानी अच्छी होगी तो मूवी चलेगी, अप्रिशिएट होगी एटलीस्ट। और यहाँ पे जो मैंने बोला कि यूएसपी क्या क्या है, भाईजान यूएसपी है, वायर अप जो बिल्डअप कर रहा है वो स्पाई यूनिवर्स जो हाइप है दैट इज द यूएसपी, एसआरके की जो एंट्री होने वाली है दैट इज द यूएसपी। और मैं गारंटी देता हूँ कि इन तीनों चीज़ों में ना मूवी डिलीवर करेगी। और हम लोग को बोनस में क्या मिलेगा पता है? इमरान हाशमी मिलेंगे, टाइगर, मस्त बीजीएम और एक्शन मिलेगा, और मिलेगा कटरीना कैफ का टॉवल फाइट। आई नो यहां तक मेरी पूरी वीडियो स्किप ही होने वाली है, तो शुरू करते हैं टॉवल सीन का ब्रेकडाउन। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नितपिक करूंगा, क्योंकि जब मैंने कल इस सीन को पूरा फ्रेम बाय फ्रेम दिखा, जो रियलिटी है जो सबको पता है कि पंचेस जो है यहाँ पे जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहा है, वो पंचेस ना अगर आप इतने स्लो मोशन में देखोगे तो पता चलता है कि दे आर फाइटिंग इन द एयर। और जो एक्चुअल हीरो है ऑफ द सीन दैट इज द साउंड डिजाइन, कि वो लोग इतने अच्छे से इम्पैक्ट साउंड्स को उन्होंने डिज़ाइन किया है, उन्होंने प्लेस किया है, टाइमिंग किया है, कि वो कन्वे हो जाता है इन रियल स्पीड। और जहाँ तक रही टॉवल की बात, एक छोटा सा साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, आप लोगों को ना एक स्टिक दिखाता हूँ स्क्रीन पे, और इस स्टिक को मैंने अभी एक ढक दिया एक कवर से, राइट, एंड देन मैंने कवर को हटा दिया, दिस इज वन कंडीशनिंग। फिर उसके बाद मैंने फिर से एक कवर और एक स्टिक आप लोग को दिखाया, और फिर मैंने उसके बाद उस कवर को हटा दिया। फिर से मैंने क्या किया, एक कवर को लिया और फिर मैंने वहां पे एक स्टिक को डाला, फिर से मैंने कवर को हटाया, फिर मैंने एक चौथे कवर को लाया और वहां पे मैंने एक फिर से स्टिक को दिखाया, और जब मैंने इस कवर को हटाया देन यू कैन सी कि यहाँ पे एक पूरा स्माइली है। बट अगर मैं अभी एक काम करूं कि इन चारों स्टिक्स को विथ कवर में आपको दिखाऊं, ये इम्पॉसिबल होगा आपको बताना कि कौन से स्टिक में इमोजी है, बिकॉज योर सबकॉन्शियस ब्रेन हैज द कैपेसिटी टू इमेजिन द इमोजी इन ऑल दिस फोर स्टिक्स। या मैं रिवील भी नहीं करूंगा, क्योंकि दैट इज नॉट द पॉइंट। मैं क्या पॉइंट बता रहा हूं पता है, कि इन दिस सीन, मतलब यहाँ पे जो ये शॉट है, दिस लेडीज कुड बी वेयरिंग अ फुल ड्रेस। दैट इज द मैजिक ऑफ सिनेमा, दैट इज द मैजिक ऑफ फिल्म मेकिंग। जो मैं बोलता हूँ ना इल्यूजन, वो होता है इल्यूजन। और यही जो टेक्निक है, ये टेक्निक ऑलमोस्ट 80% मूवीज में यूज होता है। दे यूज योर इमेजिनेशन अगेंस्ट यू, दैट इज योर पावर ऑफ इमेजिनेशन, जो आपको वो स्टोरी बता रहा है विदाउट इवन शोइंग एनीथिंग। हम लोगों ने अपने एक दोस्त का भी ऐसा एक शूट किया था जहाँ पे उसने लेजिट एक प्रॉपर बॉक्सर पहना हुआ था, बट इट डजंट लुक लाइक इट, दिस इज ऑल इन योर हेड, नथिंग इज ऑन स्क्रीन। और अगर हम लोग इस पूरे ट्रेलर को देखेंगे ना, तो इस पूरे ट्रेलर में 6 बार पॉजेस है, मतलब म्यूजिक 6 बार रुक जाता है, उसमें से एक है ये टॉवल सीन। और जैसे ही म्यूजिक रुकता है, यहाँ पे साउंड डिजाइन देखिए, वो जो वाटर ड्रॉपलेट वाला साउंड देखिए, ये भी इमेजिनेशन है, ये भी इल्यूजन है, क्योंकि आपको पता है ये एरिया देखिए, इतने बड़े एरिया में एक ड्रॉप ऑफ वाटर का साउंड इतना जोर से आपको कभी नहीं सुनाई देगा, चाहे कितना भी स्पा हो, कितना भी बाथरूम हो, मतलब कितना वो हो। बट यहाँ पे वो ऑकवर्ड साइलेंस या फिर वो जो एक इम्पैक्ट बोलते हैं ना सीन को, वो लाने के लिए यहाँ पे ये साउंड डिजाइन का यूज हुआ है। दैट सिंपल ड्रॉपलेट ऑफ साउंड टेल्स सो मेनी थिंग्स। एंड यशराज डेफिनेटली नोज हाउ इम्पॉर्टेंट दिस सीन इज। और कल मेरे कॉमेंट सेक्शन को देख के मुझे पता चला कि वाई मूवीज डू वट दे डू। एनी वे, टाइगर थ्री के पोस्टर ब्रेकडाउन्स भी आ चुके हैं मेरे दूसरे चैनल में, बहुत दिनों के बाद अपलोड किया है, एक बार जाके देखिए, वहाँ पे 12-13 वीडियोज हैं। आई होप यू विल एन्जॉय दोज वीडियोज एज वेल। आज का वीडियो यहीं तक ही रखते हैं, सो हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपके कमेंट को देख के, आपके डिमांड को देख के मैंने ये वीडियो बनाया। सो दिस वाज शमीम, यू वाचिंग की बाकी भी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। 25 पुशअप्स कंप्लीट, ब्रेकडाउन।